हेलो स्टूडेंट, आई एम राजू जायसवाल। टुडे आवर टॉपिक इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। टू या मोर फ्रैक्शन हैं रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, 1/2, 2/4, 4/8 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बिकॉज 1/2, 2/4, 4/8 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाफ पोर्शन ऑफ द होल के हाफ पोर्शंस को ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये होल के सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं, लेट्स सी द एक्सरसाइज 5 से। राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच अदर फॉलो, यानी इस फ्रैक्शन के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना। तो सिंपल सा फंडा है कि आप जो है कि जब भी आपसे 5 या 4 जितना बोला जाए, पहले आप 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गिवन फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2 से न्यूमरेटर में क्या 4 हो गया, फिर 2 से डिनोमिनेटर में 6, 4/6 आ गया। ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/3। सेकेंड फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 3 2 6, 3 3 9। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 4 2 8, 4 3 12। और फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाइड कीजिए, फिर 6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया 2/3 का, क्या 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिमिलरली वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे, एंड द 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/7 आर दिस 6/14, 9/21 एंड 12/28, 15/35 एंड 18/52। जब आपसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा जाए किसी फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन में सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाइड कीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से एंड 7 से, ऐसे टर्न करेगा। जितना आपसे पूछ फाइंड करने को आएगा, उतने आप नंबर से मल्टीप्लाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके,